हेलो टेरेस गार्डनर्स, और अगर आप लोगों के हिबिस्कस के प्लांट में एक भी हिबिस्कस का फ्लावर नहीं आ रहा, कई कोशिश कर चुके हैं, पौधे की प्रूनिंग कर चुके हैं, उसका पॉट बदल चुके हैं, उसके अंदर कई प्रकार के फर्टिलाइजर डाल चुके हैं, बट फ्लावर नहीं आ रहा हिबिस्कस का एक भी, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं आज। और आज की वीडियो में आपको ऐसे सिंपल दो तरीके से बहुत अच्छे हिबिस्कस के फूल किस तरह से आपको पौधे को में से ले लेने हैं, तो बस आप लोग को एक ही चीज़ करनी है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, दो शर्तें, अगर आप दोनों चीज़ अपने पौधे के साथ कर चुके हैं और उसमें फ्लावर नहीं आ रहे, तब आप आज के वीडियो में बताए जा रहे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना। पहली बात, अगर आपका पौधा काफ़ी दिन से एक ही पॉट में लगा हुआ है और आपने उसके अंदर अब तक कोई भी तरीके का फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया, या आपने उसका अब तक रिपोर्टिंग नहीं करी, तो आप उसकी सबसे पहले रिपोर्टिंग करेंगे। दूसरा जो शर्त है वो ये है कि अगर आपने अब तक अपने पौधे की एक बार भी कटिंग नहीं करी, उसकी ब्रांचेस लैगी हो चुकी हैं, मतलब कि पत्ते जो पौधा है उसकी अदर ब्रांचेस पे, मेन ब्रांच को छोड़ के जो उसकी अदर ब्रांच है उसके अंदर जो स्टार्टिंग वाली लीव्स हैं केवल वही आ रही हैं, और पौधे में जितनी भी पुरानी पत्तियाँ हैं वो सारी झड़ चुकी हैं। अगर ऐसा भी कुछ है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे में ये फर्टिलाइज़र जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप दो काम कीजिए, पहली बात अपना फर्टिलाइज़र तो आप चेंज करेंगे ही, पहला काम ये होगा कि आप लोग अपना पौधा को रिपोर्ट करें। दूसरी बात, अगर पौधा पुराना है तो उसकी कटिंग करें। कटिंग करने के बाद जो आप लोग को करना है वो करना है फर्टिलाइजेशन का काम। फर्टिलाइज़र आप कोई सा भी डाल सकते हो, बट जो आज का फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगा वो थोड़ा स्पेशल और यूनिक है, तो वो अगर आप पौधे में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ पौधे में ये भी हो सकता है कि पौधा समर्स वाला फ्लावर हो, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता। तो चलिए मैं अब आप लोग के साथ फर्टिलाइज़र शेयर करता हूँ। ये है हमारा काउडंग कॉम्पोस्ट, जिसको हमने 3 दिन पहले अपने इस 5 लीटर कैन में छोड़ दिया था। इसके अंदर हमने राख का यूज़ किया था, और राख ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग का, और फ्लावरिंग कितनी ज़रूरी है पौधे में भी, तो वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि विदाउट फ्लावर जो फ्रूट होता है वो बनता ही नहीं है। बट हिबिस्कस का प्लांट जो है हमारा केवल ही केवल वो फ्लावर का है, तो इस तरह से आपको 20:80 रेशो रखनी है, और सिंपल उसे डाइल्यूट करके एक दूसरे के साथ आपको प्लांट्स की रूट्स में दे देना है। अच्छा, होगा क्या अगर मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है कि आपको डालना है, तो एक्चुअली में इसमें होगा क्या कि मैंने आपके साथ शेयर किया, फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है, एच के कारण इसके अंदर पोटेशियम है, और पोटेशियम पौधे को इतना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगी जो कि उसके जो फ्लावर हो गए उसको आने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको राख डालनी है, और जो हमने काउडंग कंपोस्ट फर्टिलाइज़र डाला है, यानी जो हमने गाय के गोबर के कंडे को गलाया है, वो हमारे पौधे को नाइट्रोजन देगा, और जिससे कि हमारा पौधा जो लैगी पतला सा हो रखा है, पत्ते नहीं आ रहे, तो उससे पौधे की ग्रोथ बूस्ट होगी। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। अगर इसका मैं आपको कंक्लूज़न निकालूं तो ये है कि आप अपने छत पे फ्लावर उगा सकते हो, बट अगर आपके पास दो चीज़ नहीं है तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र का यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आपके जो रूट बाउल जब भर गया होगा, अगर आपका पूरा रूट सिस्टम भर चुका है पॉट के अंदर, तो पौधे को तो बिल्कुल सॉइल नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपने पौधे के लिए दोबारा अच्छी मिट्टी रेडी करें, उसके अंदर 10% रिवर सैंड जरूर मिलाएं, क्योंकि जो हिबिस्कस का प्लांट है अगर आप इसके अंदर डालेंगे या ऐड करेंगे रिवर सैंड, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से जो रूट सिस्टम दोबारा से डेवलप कर सकेगा, और पौधे की ग्रोथ में तो बूस्ट होगा ही। साथ ही साथ जब आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करें, तो दो चीज़ का और ध्यान रखें कि शाम का समय है, और पौधे को शॉक से बचाए रखने के लिए उसको रूट्स को डिस्टर्ब ज़्यादा ना करें, या पौधा अगर बहुत बड़ा है तो उसकी रूट्स ज़्यादा देर तक तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें कि अभी थोड़ी देर में ट्रांसप्लांट कर देंगे, पर पौधा जल्दी ही निकाल के रख दिया। तो जैसे ही आप लोग पौधा निकालें, उसके ट्रांसप्लांटेशन का जो काम होगा उसे तुरंत ही यानी फ़ौरन निपटा दें। और बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।